दोस्तों आज मैं आपसे एशिया की एक बेहद ही खास और कमाल की कंट्री अर्मेनिया के बारे में बात करूंगा, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है जिरवन। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अर्मेनियन। ये खूबसूरत देश बेहद ही छोटा है और कुल मिलाकर ये 29,743 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 30 लाख के आसपास है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो ये देश यूरोप और एशिया के बॉर्डर के पास पश्चिम एशिया में पड़ता है। इसका बॉर्डर टर्की, अज़रबैजान और ईरान के साथ जुड़ा है। दोस्तों इस देश को आजादी सोवियत यूनियन से 1990 को मिली। देखने में आया है कि यहाँ के ज्यादातर लोगों को चेस खेलना काफी ज्यादा पसंद होता है और शायद आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी कि यहाँ के स्कूल्स में चेस का डेली ही पीरियड लगता है और यहाँ पर चेस सब्जेक्ट पूरी तरह से कंपल्सरी है और नॉर्मल एग्जाम की तरह ही चेस का भी यहाँ पर एग्जाम होता है। वैसे तो ये देश बेहद ही छोटा है लेकिन शतरंज खेलने के मामले में ये देश पूरी दुनिया में नंबर वन है। दोस्तों ये पूरी दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने ईसाई धर्म को अपनाया। ईसा मसीह के जाने के बाद ही यहाँ पर ईसाई धर्म को पूरी तरह से अपना लिया गया और 4th सेंचुरी में यहाँ पर इस धर्म को ऑफिशियल धर्म घोषित किया गया। ईसाई धर्म इस देश में बहुत पहले से है, इसके कई सबूत मिले हैं और इसके सबूत मिले हैं यहाँ के चर्च में जो कई सदियों पुराने हैं। दोस्तों यहाँ पर इतने चर्च मौजूद हैं कि इसे लैंड ऑफ चर्चेस के नाम से भी जाना जाता है। 1915 के साल में ऑटोमन साम्राज्य ने अर्मेनिया के लोगों को बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया। इसी वजह से उस समय यहाँ के लाखों लोग दूसरे देशों में चले गए। और दोस्तों मैं बता दूं कि आज के दिन इस देश की खुद की आबादी तो सिर्फ 30 लाख है लेकिन इस देश के लगभग 57 लाख लोग दूसरे देशों में आज के दिन रहते हैं। अर्मेनिया की राजधानी को दुनिया की बहुत ज्यादा पुरानी राजधानी माना जाता है और दोस्तों ये शहर इटली के रोम से भी 29 साल पहले बसाया गया था, तो आप समझ ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा पुराना है। इस देश में चिड़ियों की आपको बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलेंगी और इस देश में कुल मिलाकर 631 डिफरेंट टाइप की बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अर्मेनिया के लोगों को बेहद ही मजबूत और ताकतवर माना जाता है और यही वजह है कि अर्मेनिया ने रियो ओलंपिक में 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जो जीते हैं वो सभी रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई सबूत मिले हैं जिनसे साबित होता है कि अर्मेनिया देश पूरी दुनिया में सबसे पहले से ही शराब और लेदर के जूते बना रहा है। दोस्तों अर्मेनिया की करेंसी अर्मेनियन दिराम है जो हमारे इंडिया के मुकाबले काफी कमजोर है और एक अर्मेनियन दिराम हमारे इंडिया के सिर्फ 14 पैसे, सही सुना आपने, सिर्फ 14 पैसे के इक्वल है। तो दोस्तों आपको अर्मेनिया देश कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।